गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज खासकर जो टॉपिक है टेट, सीटेट और नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित मैंने जितने भी एग्जाम देखे हैं उनमें कहीं ना कहीं इससे संबंधित एक जरूर प्रश्न पूछा जाता है, जो कि आज जो टॉपिक है, जैसे आपने देखा रोसास इंक ब्लॉट टेस्ट, रोसास शाही धब्बा परीक्षण। ये जो है खासकर रोसास शाही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व मापन की एक विधि है। इससे इस परीक्षण के द्वारा हम किसी भी बालक या व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है, अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी है या एम्बिवर्ट है, क्या है, उसको जानने का हम काम करते हैं। सबसे पहली बात, ये जो विधि है ये क्या है, एक प्रक्षेपी विधि है। जैसे पूछा जाता है व्यक्तित्व मापन की दो विधियां होती है, एक प्रक्षेपी विधि होती है और एक नॉन प्रक्षेपी विधि होती है। प्रक्षेपी विधि वो होती है जिसमें कोई चित्र को दिखाया जाता है, कुछ प्रोजेक्ट किया जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं प्रोजेक्टिव मेथड। प्रोजेक्टिव मेथड अर्थात प्रक्षेपण करना। जैसे थिएटर में जब आप बैठते हैं, थिएटर में बैठते तो मूवी सामने देखते हैं, लेकिन उसके पीछे से आपको क्या रहता है, एक फोकस आ रहा था, प्रक्षेपित किया जाता है। पिक्चर्स क्या है, पीछे से लग रहा है, पीछे से फेंकी जा रही है, इसे ही फेंकना कहा जाता है अर्थात प्रक्षेपण कहा जाता है। उसी का फायदा उठाते हुए जो हमारे साइकोलॉजिस्ट है उन्हें प्रक्षेपण का ही फायदा उठाते हुए साइकोलॉजिस्ट ने व्यक्तित्व मापन के लिए प्रोजेक्टिव मेथड को इजाद किया है या बनाया है। सबसे पहले कैसे, इसका श्री गणेश हुआ। जैसे आप देखते हैं कभी कभी रात के टाइम हम लोग जो है जब छत के ऊपर लेटते हैं तो देखते हैं चंद्रमा में, कोई लोग उसमें सफेद हाथी देखता है, कोई इसमें देखता है कि गुड़िया जो है उसमें झाड़ू लगा रही है, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सी चीजें देखते हैं, या कोई देखता सफेद हाथी है या सफेद घोड़ा है, बहुत सी चीजें देखते हैं। लेकिन क्या है, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन जो हम उसे देख रहे हैं वो हम अपने प्रोजेक्शन से देख, अपने असेसमेंट से देख रहे हैं। इसी का फायदा उठाते हुए जो साइकोलॉजिस्ट हैं इसी प्रक्षेपण विधियों का निर्माण किया है। सबसे पहले उसे संबंधित एक और है, जब थिएटर में कोई अभिनेत्री डांस कर रही होती है, आपने सबने देखा होगा, तो थिएटर में जो लड़की डांस कर रही है तो जितने भी लोग देख रहे हैं उसको अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं, और ये नजरिए का ही फायदा उठाकर क्या है साइकोलॉजिस्ट ने इस प्रकार के जो परीक्षण उनका निर्माण किया है। अब वो नजरिया क्या है, यही व्यक्तित्व है। हर व्यक्ति अपने नजरिए से, अपने तरीके से उस क्या है जो डांस है उसको देख रहा है। जब कोई, हमने बताया एक्टर या अभिनेत्री जब डांस कर रही होती है तो क्या है जो नई लड़कियां हैं, जो तरुण बालिकाएं हैं, वो उसके क्या है सौंदर्य अर्थात उनके कपड़े को, उनके बालों को, उनके चप्पल को, ड्रेस सेंस को देखती है। वही जो कलाकार है, जो कोरियोग्राफर है, वो क्या देखता है कि जो एक्टर है, एक्ट्रेसेस है, वो क्या है उसकी जो जो स्टेप्स है उसमें सॉफ्टनेस कैसी है, अच्छे से मूवमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहा है। वही लड़के हैं, लड़के उसकी खूबसूरती को देखते हैं। वही जो जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपने आनंद लेते हैं, सिर्फ डांस को देखकर आनंद लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, डांस तो एक ही हो रहा है लेकिन सभी लोग अपने अपने व्यक्तित्व के अनुसार उसमें अपनी चीजें देखते हैं। तो वही चीज यहां पर भी है। ये जो प्रोजेक्टिव मेथड के अंतर्गत जैसे मैंने बताया रोसास इंक ब्लॉट टेस्ट, तो रोसास इंक ब्लॉट टेस्ट का जो सबसे पहले जो परीक्षण का निर्माण है स्विट्जरलैंड निवासी 1921 में, ये जो है बहुत बड़े मनोरोग विशेषज्ञ भी थे और जो हरमन रोसा है स्विट्जरलैंड निवासी थे। और जैसा इसमें आपने देखा यहाँ पर 1921 में क्या किया, 10 कार्ड लिए। जैसा आपको सबको देखा जाता है ये 10 कार्ड है, एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है हरमन रोसा में कितने कार्ड होते हैं, तो 10 कार्ड होते हैं। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि 3 कार्ड कैसे होते हैं, तो 3 कार्ड कैसे होते हैं यहाँ पर, ये देखिए मल्टी कलर होते हैं, ये ध्यान रखिए। 2 कार्ड कैसे होंगे इसमें से, ब्लैक और रेड होते हैं, ये पूछा जाता है बहुत बार, नेट और टेट में पूछा है, कंफ्यूजन रहता है। तो 2 कार्ड कैसे होंगे, ब्लैक और रेड होंगे। 3 कार्ड कैसे होंगे, मल्टी कलर के होंगे। और 3 जो होंगे, वो जो 5 होंगे, 5 क्या होंगे, ये फुल्ली ब्लैक होंगे। ये जो धब्बा होगा वो कंप्लीटली ब्लैक होगा, पूर्ण रूप से काला होगा, ठीक है। उसके अलावा ये कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये कार्ड क्या किया जाता है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है जिसके पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसकी पर्सनालिटी का असेसमेंट करने जा रहे हैं, हम उसको दिखाते हैं एक एक करके, हम एक एक कार्ड दिखाते हैं और एक एक कार्ड को क्या है उसके बाद हम उससे प्रतिक्रिया लेते हैं, हम उसी प्रतिक्रिया से निष्कर्ष निकालते हैं कि उसकी व्यक्तित्व कैसा, उसका पर्सनालिटी कैसा है। अब एक एग्जांपल, जैसे ये आप देख रहे हैं आपको रोसास इंक ब्लॉट टेस्ट में इस टाइप के क्या है शाही धब्बा परीक्षण, ये क्या है धब्बा मिलेंगे आपको इस टाइप का भी, ये जो है ये भी आपको इस टाइप का भी मिलेगा। उसके अलावा जब वीडियो स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग में भी मैंने कुछ
क्या है धब्बा, उसमें जो है पिक्चर्स लगाए उनको भी आप देख सकते हैं। तो इन धब्बों को दिखाकर खासकर सब्जेक्ट को उनसे क्या लिया जाता है, प्रतिक्रिया लिया जाता है। प्रतिक्रिया देने के बाद जो हमारा साइकोलॉजिस्ट है और इसके इस ये धब्बा दिखाने के बाद जो असेसमेंट है वो हम आपका काम नहीं है, जो प्रोफेशनल्स लोग हैं जो साइकोलॉजी में बहुत साल से लगे हुए हैं वह लोग असेसमेंट सही तरीके से कर पाते हैं कि आखिर क्या है इनका पर्सनालिटी कैसा है। तो सबसे पहले देख लीजिए, जब हम कार्ड दिखाते हैं तो जो हमारा साइकोलॉजिस्ट है वो देखता है कि आपने जो धब्बा है वो एक धब्बे के प्रति रिएक्शन दिया है, प्रतिक्रिया दी है, या थोड़े अंश के प्रति दिया है। आप उसमें क्या दिखा रहे, ये पूरे धब्बे के प्रति दिया है या थोड़े भाग के प्रति दिया है, तो ये चीजें की जाती है, हम इसके अनुसार फिर प्रतिक्रिया करते हैं। दूसरा है जैसे जो प्रतिक्रिया दी गई है धब्बे की बनावट के कारण दी गई है, या धब्बे की गति के कारण दी गई है, या धब्बे के रंग के कारण दी गई, ये भी देखा जाता है। उसके बाद क्या है, जो धब्बा है, धब्बा है, धब्बे में आपको क्या दिख रहा है, मनुष्य दिख रहा है या आपको पशु दिख रहा है या कोई अन्य वस्तु दिख रही है, इसमें यह भी देखा जाता है कि आप क्या देख रहे हैं इसमें, तो यहां पर यह भी है। उसके अलावा प्रतिक्रिया देने में आपने कितना समय लिया, ये भी देखा जाता है। ये जो हमारा साइकोलॉजिस्ट जो बैठा हुआ है वो देखता है कि आपने कितना समय लिया है, फिर उसके अनुरूप क्या करता है, वह कहीं ना कहीं रिएक्शन देता है और निष्कर्ष निकालता है। उसके बाद देखिए यहां पर ये जैसे निष्कर्ष किस प्रकार से, ये तो जनरल सी बात है, ये हमारा काम नहीं, बहुत बड़े लोगों का काम है जो साइकोलॉजिस्ट है, वो ये देखते हैं सबसे पहले जो निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर किसी छात्र अर्थात किसी स्टूडेंट ने पूरे धब्बे के प्रति अगर रिएक्शन दिया, प्रतिक्रिया दी है, इसका मतलब क्या है, वो बहुत ही क्या है, सैद्धांतिक, क्या है वो, बहुत ही सैद्धांतिक, वो प्रैक्टिकल नहीं है। दूसरा क्या है, अगर कोई व्यक्ति धब्बे के छोटे छोटे अंशों के प्रति, जो धब्बे छोटे छोटे धब्बे लगे हुए हैं उनके प्रति कर दिया है कि नहीं, छोटे धब्बे दिखाई पड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वह उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, व्यक्ति की बातों बड़ा ध्यान रहेगा, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देगा। ये हम एनालिसिस बता रहे हैं किस प्रकार साइकोलॉजिस्ट एनालिसिस करता है। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति उसमें पशु देखता है या व्यक्ति की गतियों को ध्यान में रखकर प्रतिक्रिया करता है, इसका मतलब वो क्या है, अंतर्मुखी। उसके अलावा जो लास्ट में बताया गया, अगर कोई भी सब्जेक्ट, अगर जो हमारे धब्बे हैं अगर उसमें कलर्स को ध्यान में रखकर अगर प्रतिक्रिया देता है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो उसके जो संवेग है वो कैसे हैं, संवेगों में बहुत बहुलता है, ऐसा नहीं है, वो क्या है फिर उसके अंदर सांवेगिक व्यक्ति, उसके अंदर हर प्रकार की संवेगा इमोशंस पाए जाते हैं। उसके अलावा जैसे यहां पर देख रहे हैं हम, फिर इनके आधार पर क्या करते हैं, इनके इसके आधार पर हम ये निकालते हैं कि क्या है, वह सामाजिक है कि नहीं है, सोशल का गुण सामाजिक है कि नहीं है, इसके आधार पर निकालते हैं। दूसरा क्या है, ये भी निकालते हैं कि उसके अंदर एडजस्टमेंट की क्षमता है या नहीं है, उसके अलावा ये भी निकालते हैं उसके अंदर कल्पनात्मकता है कि नहीं, इमेजिनेशन पावर है या नहीं है, उसके अलावा ये भी देखते हैं कि वो सांवेगिक है कि नहीं है, उसके अंदर इमोशंस है कि नहीं है। हम ये सब इसके आधार पर निकालते हैं, हम इन्हीं असेसमेंट को धब्बों को दिखाकर जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं ये क्या करते हैं, आपके बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में असर करके बता देते हैं। तो ये काम जो है खासकर प्रोफेशनल्स लोगों का है, और ये परीक्षण से संबंधित जरूर आपको टेस्ट सीटेट और नेट में जरूर एक क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। इस प्रकार से 10 धब्बे रहेंगे ये जैसे आपके सामने हैं, और पहले भी वीडियो में स्टार्टिंग में डालूंगा उसमें भी पड़े हुए हैं, उनको देखकर बच्चे को दिखाया जाता है, बच्चों से प्रतिक्रिया ली जाती है, और फिर क्या कहता है असेसमेंट क्या कहता है कि बच्चा सामाजिक है या नहीं है, बच्चों के अंदर संवेगों की बहुलता है या नहीं है, बच्चा ऐसा तो नहीं अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी है, उभयमुखी है, क्या है, उसके अलावा जैसे वो उसके अंदर इमेजिनेशन है या नहीं है, फिर क्या है हम बच्चे की पर्सनैलिटी के बारे में असेस कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये प्रोजेक्टिव मेथड के अंतर्गत है। एक ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि चार ऑप्शन दिए रहेंगे कि प्रक्षेपी विधि के ये प्रक्षेपी विधि है, तो उसमें क्या है, अगर ये इसका नाम दिया है इसका मतलब इसको किसी को क्या करेंगे, टिक कर देंगे, और जो बाकी है उसको क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई भी और वीडियो बनाना हो तो उसके लिए मुझे जरूर सजेस्ट करें। धन्यवाद, नमस्कार।